हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनू आपका स्वागत करती हूं आपके प्यारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुशायद में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश अच्छे हों और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हों। जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी, उन सभी लोगों को, जिन लोगों ने जो है थर्ड काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट किया था, एक बहुत ही अच्छी खबर है कि उन लोगों को अभी तक जो है 20 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं और उन लोगों की नियुक्ति पत्र नहीं मिले थे, ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन अब उनके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है कि अब उनके लिए जो है वो सचिव ने जो रोक लगाई थी नियुक्ति पत्रों पे, अब उसको जो है वो बहाल कर दिया है। और आइए हम देखते हैं उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है। ये बेसिक शिक्षा के लगभग 6,000 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को 23 तारीख को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र उपलब्ध कराएंगे। इसके साथ ही 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जो कि पिछले वर्षों के बचे हुए पदों के लिए फिर से प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। उत्तर प्रदेश अपर मुख्य सचिव, आप लोगों का ज्ञात होगा कि अभी जब काउंसलिंग की डेट आई थी तो मुशायद सर ने एक वीडियो बना के डाली थी कि काउंसलिंग जो है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इम्पॉर्टेंट हैं। तो मैं बस उन लोगों के लिए बहुत ही जो है बधाई देना चाहूँगी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू, जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है और जो इसमें से पद बचेंगे, जैसे काफ़ी निरस्त भी हुए हैं और काफ़ी लोगों ने छोड़ी भी हैं जो जगह, तो नेक्स्ट काउंसलिंग के लिए, मतलब फोर्थ काउंसलिंग भी जो है वो जल्दी इसमें होगी, क्योंकि इसमें शिक्षा मंत्री जी का बयान था थोड़े दिन पहले का कि अगर इसमें एक सीट भी जो बचती है तो वो उसको भी फिल करेंगे। तो जो भी लोग, मतलब जिन लोगों का भी सुपर टेट क्वालिफाई हुआ था, वो लोग अपने संयम बनाए रखें, अच्छे से आगे देखते रहें, पढ़ाई करते रहें। बाकी इसमें यह है कि फोर्थ काउंसलिंग भी आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल उन लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ जिन लोगों का इसमें चयन हुआ है। थैंक यू।